हेलो फ्रेंड, विकास निशा फर्स्ट ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मालूम कि आज जनवरी का दूसरा दिन है और यहाँ पर ठंड तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ ठंड सुबह और शाम को ही हल्का लगता है और बिहार में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि वो दिन में चादर में लपेट कर रजाई में समाये हुए हैं। और यहाँ का सीन हम दिखला रहे हैं, जो सुबह का सीन हम आपको शॉर्ट वीडियो में डाल चुके हैं और दोपहर का सीन हम दिखला रहे हैं कि यहाँ का मौसम कैसा है। तो चलिए आप देख सकते हैं, मैं छत पर टेरिस पर हूँ और ऊपर का सारा नज़ारा आपको दिखला रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर धूप कितना निकला हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है। सुबह आठ बजने के बाद ही धूप यहाँ पर टाइट हो जाता है और गर्मी जैसा महसूस होने लगता है। दोपहर में तो इतना धूप तेज रहता है कि जो आप देख सकते हैं, दोपहर में इतना धूप रहता है कि बर्दाश्त नहीं होता है धूप में। तो आप देख सकते हैं, मैं बेंगलोर के पहाड़ी क्षेत्र एरिया में रहता हूँ और यहाँ पर नेट प्रॉब्लम है, इसलिए हम वीडियो किधर जाकर बना नहीं पाते हैं। आज थोड़ा हम छुट्टी में थे तो वीडियो आपको दिखला दिए कि देखिए पहाड़ी क्षेत्र है। अभी जहाँ पर हम हूँ वहाँ बेंगलोर के सबसे खाई जगह, मतलब कि 70-80 फीट डाउन में है, पहाड़ी के डाउन में है। यहीं पर बिल्डिंग बन रहा है और बिल्डिंग बिक रहा है, तो लगभग 125 करोड़ के लपेट में बिकता है। 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख 25 लाख के लपेट में एक बिल्डिंग बिकता है फाइनल करके। तो देखिए चारों तरफ पहाड़ी ही है और जो बिल्डिंग बना हुआ है पहाड़ी भी है, पहाड़ी के खाई में ही बिल्डिंग बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोपहर का समय है, 12 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं और डेली का मौसम यही रहता है। शाम शाम तक धूप रहती है, शाम शाम तक गर्मी जैसा महसूस होता है। शाम होते ही हल्का पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी जगह है इसलिए हल्का ठंड महसूस होता है। तो चलिए हम थोड़ा बैक कैमरे से आपको सीन दिखला दे रहे हैं। तो चलिए मेरे वीडियो पर बने रहिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्त। यहाँ पर नेट नहीं होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, घर से मेरा शॉर्ट वीडियो आ रहा है, आप उसे देखकर हमें सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो पर भी लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल हम लोग जो चैत बैसाख में गर्मी चैत में रहता है वैसा ही गर्मी महसूस अभी भी हो रहा है। और धूप बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह हल्का ठंड रहती है और 7 बजे सूर्य भगवान उग जाते हैं और 8 बजे तक टेम्परेचर हल्का टाइट हो जाता है। दोपहर में तो जितना गर्मी हम लोग को बड़ी बचका पारने के लिए होता है उतना गर्मी इधर है और सूर्य का प्रकाश बर्दाश्त नहीं होता। रोड पर जैसे चलते हैं हम लोग धूप लगता है और आँख पर भार पर भी पड़ता है। तो हम बिल्डिंग के ऊपर हैं और ये देखिए चारों तरफ वो जो पहाड़ी नज़र आ रहा है वो पहाड़ी के उस साइड में भी बिल्डिंग बहुत ऐसे ही बना हो, कहीं ऊँचा पर कहीं नीचा पर। आइए देखिए कितना डाउन में हम लोग हैं, हम टेरिस पर हैं। तो बेंगलोर के हम पहाड़ी क्षेत्र में हैं और जो सामने देख रहे हैं ना, यहाँ हम बिल्डिंग के लास्ट फ्लोर पर हैं, टेरिस पर हैं। और जो सामने आपको इस सामने नज़र आ रहा है वो रोड है, देखिए बिल्डिंग से ऊंचा भी रोड है, वहाँ पर सामने जो है बिल्डिंग से ऊँचा रोड है। और ये साइड में भी देखिए सामने है रोड जो आपको नज़र आ रहा होगा, हर जगह पर देखिए, इधर भी देखिए, क्योंकि शहर से हट के जंगल में पहाड़ी क्षेत्र में ही रोड बन रहा है। तो हम आपको दिखला रहे हैं, इधर बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इधर तो ठंड है नहीं। आप एक बार नीचे भी देख लीजिए, देखिए हर जगह पर पेड़ पौधा, हर एक 30-40-50 फीट पर रोड निकला हुआ है जो आप देख सकते हैं। उधर एक रोड, दो रोड, तीन रोड, इधर ये चौथा रोड, पीछे जिस तरह जाइएगा उस तरह ही रोड मिलेगा। और जो जगह जैसा है उसी जगह पर बिल्डिंग बन जाता है और चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी नज़र। धूप बहुत ज़्यादा है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, देखिए सामने वो पहाड़ी पर भी जाकर वीडियो हम बनाएंगे लेकिन नेट नहीं मिल पाता है इसलिए हम जा नहीं पाते हैं, आपको ऐसे ही दिखला रहे हैं। मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।